बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्राइमरी स्कूल में ज़ेरे तालीम 99 साला खातून का इंतकाल। दुनिया के मोहम्मद तरीन प्राइमरी स्कूल की तलबा समझी जाने वाली 99 साला खातून का इंतकाल हो गया। नाजरीन, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और हिस्टोरिकल वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। कीनिया से तल्लुक रखने वाली परी सीला की तबीयत 16 नवम्बर को स्कूल जाने के बाद खराब हो गई थी और अब इनके इंतकाल की तस्दीक खानदान ने कर दी है। 99 खातून आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाले इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। परसीला की जिंदगी से मुतासिर होकर एक फिल्म भी बनी थी और यूनेस्को की जानिब से इन्हें सराहा गया था। यूनेस्को को बताया था कि वो चाहती है कि नौजवान माए स्कूल में वापस लौट जाएं। उन्होंने कहा था कि मैं न सिर्फ नौजवान माओ बल्कि स्कूल से बाहर दुनिया भर की लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। मैं इन्हें कहना चाहती हूँ कि तालीम के बगैर इनमें और एक मुर्गी में कोई फर्क नहीं है। वो 65 साल से ज्यादा अरसे तक दाई के तौर पर काम करती रही और 2010 में एक प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुई। पहले तो स्कूल में इन्हें दाखिला नहीं दिया गया, मगर फिर इनके तालीम हासिल करने के अजम को महसूस करके इन्हें ये मौका दिया गया था। इनकी जिंदगी पर फ्रांस में एक फिल्म गोगो बनी थी। 2015 में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आखिरकार वो पढ़ना लिखना सीख रही है, जिसका मौका इन्हें बचपन में कभी नहीं मिला था। वो अक्सर ऐसे बच्चों से मिलती थी जो स्कूल नहीं जाते थे और इनसे कहती थी कि जब मैं इस उम्र में स्कूल जा सकती हूँ तो इन्हें भी ऐसा करना चाहिए। ख्याल रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र में प्राइमरी स्कूल जाने का आलमी रिकॉर्ड कीनिया के ही किमानी मरियूज के पास है, जो 2004 में यानी कि 84 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू हुए थे। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद के साथ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ओके, बाय, खुदा हाफिज़।